नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हटेला न्यूज। आज हम ग्राउंड स्तर पर जब आए और लोगों से बात करें, और ठीक इसी दौरान जिला परिषद के उम्मीदवार रातू प्रखंड के उत्तरी के जिला परिषद के उम्मीदवार से मुलाकात हुई, और हम उनसे जानना चाहें कि आप जनताओं के बीच आ रहे हैं और अपनी इस बार का जो पंचायती राज का चुनाव है, लोग काफ़ी मुद्दे इस बार जान चुके हैं इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि इससे पहले जितने बार भी चुनाव हुए हैं वो चुनाव में लोगों को पता ही नहीं होता था कि पंचायती राज का चुनाव क्या होता है। लेकिन 10 साल जब हो गए हैं तो लोगों को पता चल गया है कि पंचायती राज का चुनाव में आम जनों को कितनी शक्ति सरकार देती है और उसके माध्यम से लोग कितने अपने आप को उस पंचायती राज का लाभ ले सकते हैं। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि इस बार का जो पंचायती चुनाव है, मैम आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम प्रेमलता तिग्गा है। हम रातू प्रखंड उत्तरी क्षेत्र से जिला परिषद के प्रत्याशी होकर हम खड़े हुए हैं, और हम इसी उम्मीद से खड़े हुए हैं कि हम समाज में हम लोगों का सेवा करें। और पहला हमारा मुद्दा है कि हमारे गरीब तबके के लोग जितने भी हैं बीपीएल में और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अब तक नहीं मिला है, उन लोगों को हम उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी बात है कि हमारे गाँव में गरीब बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते गरीबी के कारण में, उन बच्चों का हम निःशुल्क उनके लिए हम पढ़ाई का ये व्यवस्था करेंगे, कंप्यूटर के क्लास की व्यवस्था करेंगे और उन लोगों को शिक्षा दिलाएंगे। दूसरी बात है, गांव में अब तक सड़क जहां तक नहीं पहुंचा है तो वैसे स्थानों में सड़क निर्माण करवाएंगे जो कि मनरेगा के तहत या फिर नरेगा के तहत जो आता है उस योजना के तहत हम उन लोगों को हर एक गाँव गली में हम सड़क का निर्माण करवाएंगे, और ऐसे प्रखंड से जुड़े हुए मार्ग जो है उस मार्ग में हम सोलर लाइट लगवाएंगे। अपने घर में बाहर अपने कदम को नहीं निकालती है, चौखट से पार नहीं होती है, ऐसे महिलाओं को हम बाहर लाने का प्रयास करेंगे और उन महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे जो कि हर क्षेत्र में वो महिलाएं को ट्रेनिंग दे करके रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और इस तरह से हम लोगों को हम बहुत सारा योजनाओं के द्वारा उन्हें मुहैया कराएं और उनको लाभ दिलाएंगे। मैम, ये मेरे दूसरी सवाल ये है कि देखते हैं कि गांव देहात के जो बच्चे होते हैं और शिक्षा से बहुत दूर है, और शिक्षा सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी गांव देहात के बच्चे शिक्षा के प्रति अपनी रुझान नहीं दिखा पा रहे हैं, जबकि अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो शिक्षा का स्तर बहुत हाई हो गया है और ग्रामीण स्तर पर नहीं हो पा रहा है। और जो प्रतिनिधि पंचायत स्तर में चुनाव जीत कर आते हैं, और उनको चाहिए कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी जो स्कूल्स हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा को ठीक करें ताकि शहरी बच्चे की तुलना में ग्रामीण के जो गाँव देहात के जो बच्चे हैं वो भी उनकी तरह शिक्षा पा सकें और सरकार की जो भी व्यवस्था है उनको वो लाभ ले सके। इसके बारे में हमारा एक शिक्षा के विषय में हम कहना चाहेंगे, जैसे गांव-गांव में जो सरकारी स्कूल है खास करके वहां देखा जाता है कि बच्चे बहुत कम आते हैं, इसलिए कि लोग ध्यान देते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ऐसा बात नहीं है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, लेकिन उस सरकारी स्कूल में हम जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है नहीं होती है उसका जाँच करवाएंगे, निरीक्षण करवाएंगे, प्लस उनकी गुणवत्ता को हम ध्यान देंगे। अब पंचायत राज व्यवस्था आने के बाद से देखा जा रहा है कि जो रास्ते, रोड, नाली, सड़क जितना बनना चाहिए था उतना कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय स्तर के जो प्रतिनिधि है उसको और नहीं ला पा रहे हैं, तो आप चुनाव जीतने के बाद क्या वाकई इसको धरातल पर लाएंगे? बिल्कुल, हम इस सारी योजनाओं को धरातल पर लाएंगे। पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि सारा योजना सरकार के द्वारा जो दिया गया उस योजना का फंड जो 14-20 के दरमियान जो आया था वो फंड बिल्कुल वापस चला गया। लोग इनके जानकारी नहीं होने की वजह से ये फंड वापस गया, लोगों से जनता तक पहुंच नहीं पाया, तब ना सड़क का विकास हो पाया ना नाली का विकास हो पाया। और हम वादा करते हैं कि हम जब जीत कर आएंगे तो हम सड़क का निर्माण करेंगे और बखूबी हम इस पर काम करेंगे। मैम, और इसमें एक सवाल ये होता है कि जब आम जनताओं से इस बारे पूछा जाता है कि जो पंचायती स्तर के जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कराते हैं, चुनाव से पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं और हर वोटर को बाखूबी पहचानते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब उनकी किसी प्रकार की कोई कार्य होती है और जब उनके नज़दीक जाके अपनी जो शिकायत होती है, जो बातें होती हैं उनको उनके बीच रखते हैं, तो प्रतिनिधि कहीं ना कहीं वोटर को पहचानने से उनकी काम को करने से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? हम इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 20 वर्षों से हम संघर्ष करते आए हैं और एक हम आंदोलनकारी हैं।
पिछले दिनों में जैसे आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा के हम झारखंड प्रदेश के सचिव रहे और लोगों के लिए ये लोगों को आगे लाने के लिए हमेशा हम आंदोलन करते रहे और हम विजय भी हुए और लोगों को फ़ायदा भी मिला है। और आज हम जब जीत के आएंगे तो हम उनके लिए काम करेंगे, हर लड़ाई करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम दौड़ेंगे, हर योजनाओं को हम लाएंगे और लोगों को फायदा करवाएंगे। मैम अभी फिलहाल पूरे झारखंड में देखा जा रहा है कि 1932 को खाद्यान्न के लेकर काफ़ी पूरे झारखंड के जितने भी वासी हैं उसमें कहीं ना कहीं रोष है। और अभी देख रहे हैं कि सारे जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे और ये मांग हो रही थी कि 1932 की खाद्यान्न का लागू किया जाए। क्या 1932 का खाद्यान्न इस बार का पंचायती चुनाव इसका असर कुछ देखने को मिलेगा? 1932 का जो खाद्यान्नी ये पर जो सिलसिला है, लोग का कहना है कि लोग वोट मांगने के वजह से उनको हाँ पर हाँ बोलकर एक वादा कर लेता है, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा है, जो संविधान पहले से बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस संविधान के तहत जितने भी संविधान लागू हुए वो लागू किया गया है, इससे हटकर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि मैम ने मेरे सारे सवालों के कितने बेबाकी से जवाब दिए। और इस प्रकार की न्यूज़ को सुनने के लिए मेरा हटेला न्यूज़ के साथ बने रहे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।